गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 12E, थर्ड क्वेश्चन। टू रूम्स इन अ होटल नीड इटालियन फ्लोर कवरिंग। टू रूम्स है होटल में, राइट। सो इटालियन उनकी कवरिंग है। द स्क्वायर मार्बल टाइल इज ऑफ 4 square meter। वहां पे एक मार्बल लगेगी, स्क्वायर की शेप में है वो, 4 square meter की। द डिमेंशन ऑफ द फ्लोर्स आर गिवन बिलो। फ्लोर्स के डिमेंशन मेंशन है फर्स्ट रूम एंड हियर इज द सेकेंड रूम, राइट। सो फर्स्ट रूम के डिमेंशन कौन से, दिस इज द लेंथ एंड दिस वन इज द ब्रेथ। सेकेंड रूम के डिमेंशन कौन से हैं, दिस इज द लेंथ एंड दिस वन इज ब्रेथ, राइट। सो यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच फ्लोर। आपने फाइंड करना है कि ईच फ्लोर के लिए कितनी टाइल्स जो हैं वो यूज होती हैं, राइट। सो दिस इज योर क्वेश्चन। हियर इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। You can see your question in exercise 12E, question number 3, right? So this is the solution of that question, right? So ये आपके पास है, length given है 6 meter, breadth given है 4 meter. Length और breadth when they are different to each other, then it will be a rectangle. कौन सी shape होती है वो, rectangle की। Question में था you have to find number of tiles. आपने क्या find करना है, number of tiles find करनी है, right? So number of tiles के लिए formula क्या होता है, एरिया ऑफ द रूम, रूम का पूरे का एरिया अपॉन एरिया कवर्ड बाय वन टाइल। वन टाइल कितना एरिया कवर कर दिया, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, राइट। सो एल मल्टीप्लाई बी, एरिया ऑफ द रूम बिकॉज इट इज इन रेक्टेंगुलर, सो हियर इज एल मल्टीप्लाई बी अपॉन एरिया कवर्ड बाय वन टाइल। वन टाइल का एरिया क्वेश्चन में गिवन था 4 square meter, सो हियर इज 4। एरिया ऑफ द रूम रिक्टेंगुलर है, सो एल मल्टीप्लाई बी, एरिया ऑफ रिक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया कवर्ड बाय वन टाइल, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, दैट इज 4। द वैल्यू ऑफ लेंथ दैट इज इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 4, सो आई हैव पुट दिस वैल्यूज 6 × 4 / 4, 4 and 4 कैंसल ईच अदर, आई गेट 6, सो नंबर ऑफ टाइल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रूम दैट इज इक्वल टू 6 tiles, सो 6 tiles इज योर आंसर। For the second part, the dimensions are 8 meter and 6 meter. This is length and 6 meter is your breadth. You have to find the number of tiles. Also in similar way, area of the room upon area covered by one tile. Area of a room rectangular hai. So here is L multiply B is the formula of area of rectangle. The value of length equals to 8. The value of breadth equals to 6. So 8 into 6 upon 4, area covered by one tile is given in your question 4, 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 2 into 6 that is equals to 12, so 12 tiles is your answer, right? Thank you students.